हुण साडे बहुत ही सत्कारयोग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब रजिस्टर्ड पंजाब दी पंजाब बॉडी दे वल्लों जिहड़ा नकोदर दा यूनिट आ उहदे अहुदेदारां नूं जिहड़ा सन्मानित कीता जाएगा और जिहड़ा जिहड़ा उहनां दा अहुदा आ और साडे जिहड़े प्रधान आ जर्नलिस्ट प्रेस क्लब रजिस्टर्ड पंजाब दे सत्कारयोग मनजीत मान जी नाल जे एस संधु जी नाल हरप्रीत सिंह जी जिन्ने भी सारे साडे पंजाब दी बॉडी दे आ राकेश खन्ना जी उन्हां वल्लों पंजाब दी प्रितपाल जी जिन्हें भी साडे सत्कारयोग आ पंजाब दी बॉडी दे जिहड़े मैंबर साहिबान आ उन्हां वल्लों हुण जिहड़ी नकोदर यूनिट आ उन्हां दे अहुदेदारां नूं जिहड़ा उन्हां दा अहुदा दे के उन्हां नूं सन्मानित कीता जाएगा। हाँ हाँ जी अगली गल साडे प्रधान जी मनजीत मान जी। परम सत्कारयोग मेरे साथियों, अज जर्नलिस्ट प्रेस क्लब रजिस्टर्ड पंजाब दे अहुदेदारां दी मीटिंग जिहड़ी आ तो श्री गोविंद राय जी उन्होंने ग्रह विखे की गई और मेरे नाल विशेष तौर पर साडे जर्नलिस्ट प्रेस क्लब रजिस्टर्ड पंजाब दे सरपरस्त सरदार जे एस संधु साहब वाइस प्रधान पंजाब हरप्रीत सिंह जी और चेयरमैन राकेश खन्ना जी कोआर्डीनेटर सरदार प्रतपाल सिंह जी ये मेरे नाल विशेष तौर पर पहुँचे ने और अज नकोदर इकाई की जिहड़ी मीटिंग की गई गठन किया गया जिस विच सर्वसम्मति दे नाल साडे बहुत ही सत्कारयोग जुझारू साथी पत्रकार प्रोड्यूसर डायरैक्टर जिन्होंने फिल्मों के भी काफ़ी काम किया गोविंद राय जी उन्होंने ब्लाक नकोदर का जिहड़ा सर्वसम्मति दे नाल जिहड़ा प्रेजिडेंट नियुक्त किया गया। सारे साथी क्लैपिंग जरूर करना। चेयरमैन ब्लाक नकोदर मेरे वीर गुरप्रीत सिंह जी उप्पल उन्होंने ब्लाक नकोदर का जिहड़ा चेयरमैन नियुक्त किया गया जिन्होंने पहला भी काफ़ी लंबा समा जिहड़ा प्रेस क्लब में बड़ा योगदान दिता और प्रेस क्लब में अगे ले जाने विच अपनी अहम जिहड़ी आ जिम्मेवारी निभाई उन्हां दा भी असीं तहि दिलों धन्नवाद करदे हां ते माण महसूस करदे हां भी उन्हां नूं ब्लाक दा चेयरमैन नियुक्त करके कि वह अपनियां सेवावां जिहड़ियां पूरी इमानदारी दे नाल पूरी लगन दे नाल जिहड़े निभाउण दे विच कोशिश करनगे। सो जनरल सकत्तर साडे बहुत ही सत्कारयोग मेरे छोटे वीर परवेज भट्ट जी और जिन्हां ने भी बड़ा लंबा समा प्रेस क्लब नूं बड़ा एफर्ट किया अगे ले जाण दे विच बड़ा योगदान पाया क्योंकि जिहड़े जंगल दे विच शेर साथीओ दो ही काफ़ी हुंदे ने और रंग लगियां भेडां जिहड़ियां इज्जड़ जिहड़ा बहुत हुंदा। सो इन्हां ने बड़ा सानूं एफर्ट किया साडे हुण जुझारू साथी आ ये सारे साथी साढ़े जिहड़े शेर नहीं है बब्बर शेर आ। सो ये प्रेस क्लब नूं मजबूत करन लई अगे ले जाण दे विच भी अपना पूरा योगदान पाउणगे। सो पर अपने छोटे वीर परवेज भट्ट नूं जनरल सकत्तर दा जिहड़ा अहुदा दित्ता गया नकोदर इकाई दा सो ये भी पूरी लगन दे नाल इस प्रेस क्लब नूं अगे ले जाण दे विच अपना वडमुला योगदान पाउणगे। और प्रधान के तो बाद वाइस प्रधान मेरे छोटे वीर हरदीप सिंह जी उन्होंने जर्नलिस्ट प्रेस क्लब रजिस्टर्ड पंजाब इकाई नकोदर का ब्लाक प्रेजिडेंट जिहड़ा वाइस प्रेजिडेंट जिहड़ा नियुक्त किया गया असी और पारस नैयर जी चले गए उन्होंने जर्नलिस्ट प्रेस क्लब रजिस्टर्ड पंजाब वालों डिस्ट्रिक्ट दे विच वाइस प्रेजिडेंट का जिहड़ा नुमाइंदगी दी गई। गोविंद जी का नमस्कार करता जी। हाँ जी करता जी। सो मैं सारे साथियों नूं और थोड़े समय के बाद फिर दोबारा आप एक मीटिंग रखांगे और जल्दी यदा होर यदा गठन करांगे होर साथियों नूं जिहड़ियां नुमाइंदगियां आ क्योंकि 21 अहुदेदार जिहड़े आपां
वह नियुक्त करने 21 मैंबरी 11 मैंबरी जिनी भी तुम जथेबंदी कमेटी आनू तुम अपने साथियों नियुक्त कर सकते हैं उन्होंने नवैदगी दे सकते हैं। सो यही मेरी बेनती है भी तुम ब्लाक प्रैजीडेंट हो चेयरमैन साहब हो जनरल सकत्र सो ये अपना भी फर्ज बनता भी जिते जिते साडा पत्रकार भाईचारा आ जिते जिते साडे वीर आ भी उन्होंने जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के नाल जोड़न की कोशिश करिए कि साडा परिवार जिहड़ा होर प्रफुल्लित हो सके होर इहदियां शाखावां जिहड़ियां होर ये मजबूत हो सके। सो साडा यह नैतिक फर्ज बनता भी असी अपने पत्रकार साथियों प्रेस क्लब के नाल जोड़िए उन्होंने दसीए प्रेस क्लब के एफर्ट बारे और मेरी यही बेनती आ भी किसी भी पत्रकार साथी को चाहे नकुदर दे विच होवे चाहे नूर महल दे विच होवे चाहे बेलगे दे विच होवे चाहे महतपुर दे विच होवे ते ए साथी जिहड़ा उन्हां साथियों की बांह फड़ के उन्होंने इंसाफ जरूर दवाउण दी कोशिश करनगे। मेरियां और मेरी जथेबंदी के आगूआं वल्लों दिली दवावां आ तुहानूं भी परमात्मा तुहानूं तंदुरुस्ती दवे चढ़दी कला बख्शे सेहत जाबी बख्शे ता कि तुसीं अपने परिवार की समाज की और नाल ही जथेबंदी की जिहड़ी सेवा करते रहो परमात्मा करे तो ही दिन दुगनी रात चौगनी जिहड़ी तरक्की करो। सो इन्हां कहिंदा है खिमदा जाचकां वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फिर मैं अपने जर्नलिस्ट प्रेस क्लब वालों ब्लाक नकोदर के प्रेजीडेंट श्री गोविंद राय जी उन्होंने फुलों के गुलदस्ते दे नाल फुलों के हारा दे नाल उन्हां दा असीं स्वागत करांगे। सो गोविंद राय जी लो जी बहुत बहुत मुबारकां जी तुहानूं कंग्रेचुलेशन। थैंक यू जी। हाँ जी बस ठीक। हाँ जी हम बेनती है चेयरमैन साहब का भी आप फुलों के गुलदस्ते दे नाल स्वागत करना जी। चेयरमैन साहब साढ़े वीर गुरप्रीत सिंह जी उपल मैं गुजारिश करा भी साढ़े जी यारू वीर ये जिथे भी कितने पंजाब दे विच पंगा पैंदा कोई पत्रकार साथियों जरूरत पैंदी आ गुरप्रीत जी और परवेज भट्ट जी हुण मेरिया खब्बियां सज्जियां बाहवां जिहड़ियां होर मजबूत हो गई मैनूं माण आ तुहाडे ते फखर आ भी साडा जिहड़ा खून आ उह होर वध गया भी साढ़े जी यारू वीर गोविंद राय जी भी ये साडा होर साथ देणगे और साडा जिहड़ा प्रेस क्लब नूं होर मजबूत करनगे। सो साडे जनरल सकत्तर भी साढ़े ना पंजाब दे विच जिथे भी जबर जुलम होगा भी साढ़े ना जाके साढ़े ना चट्टान बन के साढ़े ना खड़े होणगे। सो साडे जनरल सकत्तर परवेज भट्ट जी इन्हां नूं भी साडे वल्लों कंग्रेचुलेशन बहुत बहुत मुबारक जी। नहीं नहीं पाओ जी पाओ वाइस प्रेसिडेंट हरदीप सिंह। हाँ जी हाँ हम मैं बेनती करा साढ़े छोटे वीर हरदीप सिंह जी जिन्हों असी ब्लाक नकोदर के वाइस प्रेजिडेंट की जी जिम्मेवारी सौंपी आ सो इन्हों भी साढ़े वालों कंग्रेचुलेशन बहुत बहुत मुबारक जी। प्रधान जी तो पा दौ प्रधान जी तो कपूरथला तो साढ़े जारू वीर जी वो साढ़े बहुत लंबे समय तो जुड़े हुए आ मैं दस दें भी काफ़ी लंबे समय तो जुड़े साढ़े वीर जिन्होंने पहला कपूरथला यूनिट के भी काफ़ी लंबा समा किया काम किया। सो उन्होंने जर्नलिस्ट प्रेस क्लब रजिस्टर्ड पंजाब का मेरे तो अलावा वाइस प्रधान जिहड़ा इन्हां दीआं सभावां नूं देखदे होए वाइस प्रधान जिहड़ा नियुक्त किया भी इन्हां तों भी आस रखदे आ भी आस करदे आ भी परमात्मा करे इन्हां नूं भी हिम्मत बख्शे और प्रेस क्लब नूं मजबूत करन दी कोशिश करिओ ताकि ये मेरी बेनती है भी प्रेस क्लब नूं अज
ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਪਾਉ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ ਸੋ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਭਾਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਓ ਪਾਓ ਸਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਅਮਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਔਕੜਾਂ ਜਾਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ ਸਾਥੀਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਪਰ ਸਾਥੀਓ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਬੜੇ ਔਕੜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੇਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀਓ ਪਰੇ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਆ ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਨਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਕੋਦਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਕੋਦਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਕੋਦਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਕੋਦਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇੱਕ ਹਾਰ ਮਨਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ